हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। चलिए फिर आज फिर से बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, आपने सुना होगा कि कोई फैमिली पॉलिसी ले रहा है, कोई इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहा है। ये होते हैं प्लान टाइप, कि आपका प्लान कैसा है। तो बेसिकली जो अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी पॉलिसी तीन टाइप की होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉलिसी लेना चाह रहे हैं। फर्स्ट आपका होता है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। आपका जो प्लान होता है वो फैमिली फ्लोटर होता है। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो है फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी का एक ही प्रीमियम जाता है और वो एक पॉलिसी बाय करते हैं। यानी एक ही सम इंश्योर्ड है जो सभी फैमिली मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फ्लोट होता है सभी फैमिली मेंबर्स में। सेकेंड है आपका इंडिविजुअल प्लान। इंडिविजुअल प्लान क्या होता है, कोई एक पर्सन है उसको एक पॉलिसी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल प्लान। एंड थर्ड वन इज फैमिली इंडिविजुअल, यानी सभी फैमिली मेंबर में सबके इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपका सम इंश्योर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं फैमिली इंडिविजुअल। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी की। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में क्या होता है, आपका एक ही सम इंश्योर्ड होता है। ठीक है, चाहे आप 5 लाख का लें, चाहे आप 10 लाख का लें, जो उनसे भी आप सम इंश्योर्ड लेते हैं, जो उनसे भी कंपनी का, आपका एक सम इंश्योर्ड होता है। एक ही आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है, आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनेगा वो एक ही बनेगा, जिसमें जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सभी के अलग अलग कैशलेस कार्ड आते हैं और आपका एक ही प्रीमियम जाता है। ठीक है, यानी आप अगर आपकी फॉर एग्जांपल 5 लाख की पॉलिसी है और 5 लाख की पॉलिसी के लिए आप 10,000 या 15,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं तो एक ही प्रीमियम आपका जाएगा और उसमें आपके सारे फैमिली मेंबर जो हैं वो कवर होंगे। लेकिन अगर बात आई कि इसमें फैमिली मेंबर कैसे कवर होंगे, तो ये एक फैमिली साइज पे डिपेंड करता है। हर एज पर IRDAI कंपनी ने एक फैमिली साइज, हर कंपनी का एक फैमिली साइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये पॉलिसी मिलती है। मैं एक नॉर्मल जो एवरेज फैमिली साइज है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि 2 एडल्ट यानी हस्बैंड वाइफ, ठीक है, 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। एवरेज यानी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मैक्सिमम 3 ही बच्चे कवर होते हैं, उससे ज्यादा बच्चे कवर नहीं हो सकते आपकी एक पॉलिसी में। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 1 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जना, ठीक है, और 1 चाइल्ड 1 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड 1 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे मम्मी पापा हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, मुझे इन सभी को ऐड कराना है। और आपको अगर आप पॉलिसी सर्च कर रहे हैं, आपने अगर किसी से बात की हो, किसी एजेंट से, और उसने बोला हो कि हाँ मैं आपको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दे दूंगा या फैमिली पॉलिसी दे दूंगा सभी को एक जगह, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। एक ही जगह पॉलिसी नहीं जाएगी, ठीक है, आपकी, आपकी वाइफ की और आपके बच्चे की ही एक जगह जाएगी, कभी भी आपकी मदर फादर आपके साथ इंक्लूड नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी। ये बहुत सिंपल है, आप सभी को पता होगा। इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या होता है, बेसिकली आपका वन सम इंश्योर्ड होता है, यानी जो भी आप कवरेज अमाउंट ले रहे हैं, सम इंश्योर्ड मीन्स जो भी आप कवरेज अमाउंट लेते हैं, एक ही सम इंश्योर्ड होता है, एक ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है, एक ही आपका कैशलेस कार्ड आता है और एक ही आपका प्रीमियम जाता है, एक ही पर्सन इसमें कवर होता है। ठीक है, वहीं पे एज आप इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, आप एज जो है 18 से ले सकते हैं, एडल्ट की इंडिविजुअल पॉलिसी बनती है, तो 18 से मैक्सिमम 60 एज तक के पर्सन के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी कोई भी आप ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन में अलग पॉलिसी जाती है, 60 अबव सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, वो भी एक इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि मेरा चाइल्ड है जो 18 से बिलो है, अभी चाइल्ड में है, और बट आप उसके लिए इंडिविजुअल एक पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने चाइल्ड के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रपोजर होगा यानी जो पेमेंट करेगा उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी का ये रूल होता है। अब हम बात करते हैं फैमिली इंडिविजुअल पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली इंडिविजुअल पॉलिसीज। बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी हमने बात करी थी, मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे फादर, मदर, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, ठीक है, सभी एक पॉलिसी में इंक्लूड हो जाते हैं और एजेंट आपको बोलता है कि हाँ मैं एक ही पॉलिसी, एक्चुअल वो आपको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं दे रहा होता उस टाइम।
वो आपको देता है फैमिली इंडिविजुअल पॉलिसी। फैमिली इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या होता है, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी का इंडिविजुअल इंडिविजुअल कवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके मदर फादर, ठीक है, आप, आपकी वाइफ और आपका चाइल्ड, ठीक है, आप फाइव मेंबर्स हो गए, ठीक है, फाइव मेंबर्स का इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड होगा, सभी का अपना अपना अलग कवरेज होगा, फादर का अलग, मदर का अलग, हस्बैंड का अलग, वाइफ का अलग और उनके बच्चों का अलग सम इंश्योर्ड होगा इसमें। लेकिन आपने आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना हम अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कि एक प्रोडक्ट हमें पसंद आया हमने ऐड टू कार्ट कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट पसंद आया ऐड टू कार्ट कर दिया, फिर टोटल हमने किसी दिन एक दिन बैठकर हमने जो है बाय कर लिए दोनों प्रोडक्ट। लेकिन जब हम दोनों प्रोडक्ट एक साथ बाय करते हैं तो कई बार हमें डिस्काउंट मिल जाता है कि आप दो इंडिविजुअल प्रोडक्ट बाय कर रहे हो लेकिन एक साथ पेमेंट कर रहे हो तो हम आपको इतना 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। किया है सभी लोगों ने, किया होगा ऑनलाइन। तो यहां भी यही चीज आती है, जब आप पांच मेंबर की एक फ्लोटर पॉलिसी ना लेकर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल कवरेज लेते हैं लेकिन पेमेंट आप एक ही करते हो, ठीक है, सभी का इंडिविजुअल कवरेज जाएगा, ठीक है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक ही बनेगा, सभी के इंडिविजुअल कैशलेस कार्ड होंगे, प्रीमियम एक ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे आपको क्या मिला, क्योंकि आपने पांच लोगों की इंडिविजुअल कवरेज के साथ एक सिंगल पेमेंट अमाउंट में प्रीमियम पे किया है तो कंपनी आपको डिस्काउंट दे देती है। यहाँ पे कोई कंपनी 10% का देती है, कोई कंपनी 12% का डिस्काउंट देती है, तो अलग अलग हिसाब से कंपनियां यहाँ पे आपको डिस्काउंट दे देती है। तो आपको जोन सा भी अगर आप मार्केट में पॉलिसी बाय करने जा रहे हैं और आपको, आप देख रहे हैं कि मैं कौन सा प्लान लू, मेरे लिए कौन सा सुटेबल है, फैमिली फ्लोटर, इंडिविजुअल या इंडिविजुअल, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए आपकी जो नीड हो, आपकी जो जरूरत हो, आपको लगता है कि आपके फैमिली साइज एज के हिसाब से, सभी मेंबर की एज के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा खर्चा होगा तो आई रिकमेंड कि आप फैमिली इंडिविजुअल पॉलिसी लेकर जाइएगा, सभी का अलग अलग सम इंश्योर्ड। बट अगर आपको लगता है कि आपका फैमिली एज के हिसाब से ज्यादा कोई बीमारी भी नहीं है और आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में ज्यादा कोई मेडिकल खर्चा हो तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेकर जाइए। और अगर इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल अपनी पॉलिसी लेना चाहता है तो उसके लिए रिकमेंड करूंगी मैं चीप एंड बेस्ट जो इंडिविजुअल प्लान्स आते हैं केवल वही बाय करें, ठीक है, क्योंकि उनमें आपकी जरूरत के हिसाब से जो मेन मेन फीचर्स होते हैं वो सारे उसमें एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि आप एक फैमिली के हिसाब से ज्यादा बड़े वाले फीचर्स ले और उसके लिए प्रीमियम पे करें, क्योंकि आपकी नीड नहीं होती वो, कई बार ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब ध्यान में रख के आप प्लान चेक करके अपने लिए प्लान लीजिएगा। इसके अलावा आज का एक न्यू अपडेट मैं जरूर देना चाहूंगी आप सभी को। आपने अगर अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं किया है, आप मेरी ये वीडियो, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं किया है और अगर आप इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं, बाय करने की सोच रहे हैं, तो अब देर मत कीजिए, ठीक है, अब इंश्योरेंस आपको लेना ही पड़ेगा। रीजन, अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, न्यूज अगर आप अपडेटेड हो करंट न्यूज में, तो एज पर IRDAI ने एक न्यूज अपडेट करी है, एक इंफॉर्मेशन अपडेट करी है सभी लोगों के लिए कि अगर आपको, जैसा आप जानते हैं अभी कोरोना वायरस की वजह से काफी जो है हॉस्पिटल्स में काफी बिल्स बढ़ रहे हैं, काफी हॉस्पिटल्स की जरूरत है, तो इंश्योरेंस में भी कंपनियों ने क्या किया है कि एज पर IRDA के ने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट मंथ से हर कंपनी जो है वो 25% अपना प्रीमियम जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आप नेक्स्ट मंथ से पहले पहले यानी इसी मंथ आप इंश्योरेंस बाय करिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से 25% प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो पॉलिसी आज 10,000 की आप ले सकते हो आज की डेट में, वही नेक्स्ट मंथ में यानी 10 दिन बाद, 10 दिन ही बचे मेरे ख्याल से, 8 या 9 दिन बचे, तो 8 दिन बाद वही पॉलिसी आपको 12,500 रुपए की मिलेगी, 2,500 रुपए आपके जेब से एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए अपनी फैमिली के लिए, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, देखिए मैं एक नॉर्मल सी बात आपको बताकर चलती हूँ, अगर आप लोगों के पास, देखिए इंश्योरेंस तो होना चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी, आप मेरी वीडियो में हर बार सोचते होंगे कि ये तो हर बार बोलती है इंश्योरेंस लेने के लिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप इंश्योरेंस लो, ठीक है, बट अपने आपको सिक्योर करके चलो, अपनी फैमिली को ना सिक्योर करके चलो। अगर आपके पास
इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कैसा भी इंश्योरेंस हो, ठीक है, या तो आप खुद ही वेल इतने कैपेबल हो कि भाई आपके पास इतना पैसा है कि आप, पर चाहे कितना ही पैसा हो ना अपने पास, कोई भी नहीं चाहता कि वो हॉस्पिटल के बिल पे करे, ठीक है, चाहे मेरे पास कितना ही पैसा हो ना, मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि वो इतना सारा पैसा मैं हॉस्पिटल के बिल्स में दूं, राइट। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, या तो आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होगा, यानी आपकी कंपनी वाले इंश्योरेंस दे रखा होगा, या किसी की सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब्स है तो गवर्नमेंट जॉब्स में गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस मिल रखा होगा, किसी की डिफेंस का, डिफेंस में है कोई, नेवी आर्मी, ठीक है, इनमें है, एयरफोर्स में है, तो उसको वहां से इंश्योरेंस मिल रखा होगा। बट अगर आप एक प्राइवेट जॉब सेक्टर में हो, आपको कॉर्पोरेट पॉलिसी भी नहीं मिल रही आपकी ऑफिस की तरफ से, तो आई रिकमेंड कि आपको पॉलिसी फिर लेनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी अगर सैलरी के हिसाब से आप देखो ना, तो आप हॉस्पिटल के बिल्स पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी इतना, अगर आपने पैसे इकट्ठे भी कर रखे होंगे ना, अपनी सेविंग्स भी कर रखी होगी ना, तभी भी आप ये नहीं चाहोगे कि वो सेविंग्स आपको जो है इंश्योरेंस में हॉस्पिटल के बिल्स पे करने पड़े। तो क्यों ना अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलो। इसीलिए मैं हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपने अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा, तो आज ही आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स कीजिएगा, कुछ भी डिटेल्स कुछ पूछना हो आपको तो कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।